नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलन। आज फिर से और एक चीज़ लेके हाजिर हूं, जिसमें हमारे पास एक M30 जो प्रॉब्लम है, ये तो चालू हो रहा है लेकिन इसमें डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है। मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से हमें समझ में आया कि ये चालू हो रहा है। जैसे ही हम चार्जिंग इनपुट कर रहे हैं, तो चार्जिंग इनपुट करने के बाद ये जो हमारा ये है, तो ये पूरा 2 एम्पियर ले रहा है। चार्जिंग इनपुट 2 एम्पियर ले रहा है, ये 2 एम्पियर पूरा ले रहा है, ये देखिए। ठीक है, और क्या है कि सर, इसको हम अगर मैं चालू करूँ तो ये वाइब्रेट भी हो रहा है। वाइब्रेट होने के बाद ये जो है ना, पूरी तरीके से साउंड आ रहा है, जो ऑन होने के बाद साउंड आ रहा है। तो हमने इसमें डायग्नोस करने के बाद हमें जो पता चला, इसकी डिस्प्ले कनेक्टर में 2 जगह में हमारे को GR नहीं मिल रहा है, जो रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है। तो हम दिखाते हैं, ये देखिए, ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर, और ये मल्टीमीटर को थोड़ा देखिएगा। हमारे पास ये जो डिस्प्ले कनेक्टर है, इसमें क्या है, ये देखिए, मैं डायोड और कंटिन्यूटी दोनों एक साथ मोड में रखा हूँ। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में रखा हूँ तो OL आ रहा है ना, जैसे ये आ रहा है OL, दूसरे में भी OL आ रहा है, तीसरे में भी OL आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 लाइन में हमें वोल्टेज नहीं मिल रहा है। बाकी देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, चार नंबर लाइन में रीडिंग आ रहा है, ये देखिए 487 आ रहा है। उसके बाद ये नहीं आ रहा है, ये 3 लाइन नहीं आ रहा है। ये जो लाइन जा रहा है, ये डिस्प्ले लाइट और ग्राफिक्स IC में जा रहा है, जो ये IC है। तो हम आप भाई इस IC को रिमूव करेंगे और इससे उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, नहीं तो इस IC को हम फिर से फिक्स करेंगे। ठीक है,
आ गया लाइट साहब। देखिए दोस्तों, है ना, तो हमारा जो प्रॉब्लम था हमने इसको सॉल्व कर लिए हैं। ये देखिए, थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। इस तरीके से पूरी जानकारी देखिए दोस्तों, इसकी लाइट मैंने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया इसकी। अगर आप वीडियो देख के ना सीख पा रहे हो, इसका मतलब आप वीडियो देख के कभी भी नहीं सीख सकते हैं, या ऑनलाइन भी कभी भी नहीं सीख सकते हैं। आपको हैंड टू हैंड प्रैक्टिकल चाहिए, जो आपको यहाँ आके सीखना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों। जाइए और एसर टेलीकॉम लिख दीजिए खाली, और उसमें मेन पेज हमारा है उस पर जाइए, तो आपको डेली की हमारी रनिंग क्लासेस आपको आउटपुट मिलेगा, और बहुत कुछ आपको आउटपुट मिलेगा। उसके अलावा भी हम बहुत कुछ छोटे छोटे वीडियो डालते हैं उसमें, और ट्रिक एंड जो भी चीज़ें हम डाल सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कॉलिंग कीजिए अभी और अपनी सीट बुक कराइए, ये चांस आपसे छूट ना जाए। थैंक यू वेरी मच। गुजरात से, वेरी गुड। आ रहा हूँ, बताइए कहाँ से आप? यूपी से, वेरी गुड। डीसी टू डीसी सर्किट कहाँ से आप? गुजरात से। उज्जैन से? उज्जैन से। अच्छा, अपनी जगह का नाम बता दीजिए। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। और किसने बताइए कहाँ से आप? नेपाल से। कॉपी तो नहीं किया ना किसी ने? कहाँ से? महाराष्ट्र मुंबई से। दिखाओ। आसाम से। महाराष्ट्र। झारखंड। झारखंड से। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। नेपाल से। देखिए डीसी टू डीसी सर्किट नेपाल से। कहाँ से आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र पुणे। महाराष्ट्र पुणे। दिखाइए। झारखंड। वेरी गुड। गुजरात से। राहुल बिहार से। देखिए डीसी टू डीसी बिहार। आसाम। कहाँ से? कर्नाटक से। वेरी गुड। एक कर्नाटक लैंग्वेज में बताओ आपका रिव्यू दो लाइन में। कैसा टेलीकॉम ज्वाइन करने का ये सही रहा? डीसी आपको क्लास एक बार और फिर से दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं एसर टेलीकॉम, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? वर्ल्ड का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? दोस्तों हमने आईफोन स्टार्ट किया है, आईफोन ट्रेनिंग जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, मैं दूंगा आपको आईफोन की ट्रेनिंग, और जो रहेगी बेसिक्स टू एडवांस लेवल पे। हालांकि बेसिक टू एडवांस एक कहने की बात है, बट ये जीरो टू हीरो है। इस ट्रेनिंग में हमने अलाउ किए हैं फ्रेशर स्टूडेंट, बट एटलीस्ट आपको मोबाइल खोलना आए और आपको पता हो कनेक्टर खुद, बैटरी बदलना आए, इतना एटलीस्ट छोटा मोटा काम करना अगर जिन टेक्नीशियन को आता है, तो वो आप हमारा आईफोन का कोर्स